पानी की समस्या आज पूरे विश्व में एक विकराल रूप लिए हुए है। इसको लेकर चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, या कोई भी बड़ा देश पानी को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर बात कर रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जल पुरुष कहे जाने वाले भारत के पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जल संरक्षण की बात करती है, लोगों को जल का अधिकार देने की बात की जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गंगा मर रही है, राजनेता बात तो करते हैं गंगा संरक्षण की, लेकिन गंगा वेंटिलेटर पे है आपका कहना? देखिए, गंगा तो बिल्कुल अब आईसीयू में भर्ती है। यदि उसका उसकी बीमारी के अनुरूप इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। गंगा पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन गंगा की बीमारी हृदय रोग की है और उसको दांतों के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उसका जबड़ा चढ़ा रहे हैं, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, और माँ की बीमारी बढ़ती जा रही है, उसका पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और जो उसका प्रवाह है वो घटता जा रहा है। तो पॉल्यूशन का बढ़ना और प्रवाह का घटना ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब तक हम भारत की जो दुनिया की सबसे अच्छी नदी है, भारत में है, उसका नाम है गंगा, उसको हम अविरल निर्मल नहीं बना सकते, उसको हम स्वस्थ नहीं रख सकते, तब तक भारत दोबारा से सांस्कृतिक सामाजिक गुरु नहीं बन सकता। भारत जो है उसकी सभ्यता, उसकी तहजीब गंगा और यमुना की तहजीब है, वो भारतीय संस्कृति की आधार है। तो गंगा को एक तरफ आज़ादी चाहिए और दूसरी तरफ गंगा का स्वराज्य चाहिए। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि जन्म से आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज्य के लिए पहले आज़ादी चाहिए और फिर स्वराज्य को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए एक कानून कायदा चाहिए, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद उसको हमेशा आज़ाद रखने के लिए एक संविधान बना, संविधान के बिना होता नहीं है। इसी तरह नदियों को कानून चाहिए। तो हमें यदि अपनी माँ गंगा को स्वस्थ रखना है, उसको आज़ादी देनी है, तो हमें एक स्वराज्य की जरूरत है, एक कानून की जरूरत है। एक तरफ गंगा पर जो नए बांध बन रहे हैं वो रुकने चाहिए और दूसरा आगे नए बांध ना बने, गंगा की अविरलता निर्मलता बरकरार रहे, गंगा में गंदे नाले ना पड़े। ये सब काम करने के लिए हमें मिलजुल कर, राज समाज को मिलजुल कर काम करना होगा। और समाज तब काम करता है जब राज समाज को जिम्मेदारी देता है। केंद्र सरकार ने मंत्रालय बनाया गंगा के लिए, उमा भारती उसकी मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि या तो हम गंगा को निर्मल कर देंगे या फिर उसी में समाधि ले लेंगे। लेकिन कई कार्यकर्ता हैं जो गंगा पर अभी तक अपनी जान दे चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गंगा को बचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग क्यों बैठे हुए हैं और आपने आह्वान किया कि लोगों को उससे जुड़ना होगा? अगर सरकारें ये नहीं काम कर पाती हैं निर्मल करने को गंगा को, तो फिर आम जनता के हवाले कर दिया जाए नदी को, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि यदि सरकारें कुछ काम नहीं कर पाती हैं तो उन पे कब्जा नहीं करना चाहिए। अभी भारत सरकार ने गंगा नदी पर कब्जा कर लिया है, उसको राष्ट्र नदी घोषित कर दी है, उसको भारत सरकार ये मानती है कि उनकी वो नदी है, और उस पर जो काम कर रही है वो उल्टे कर रही है। तो मेरा कहना यह है कि हमें अपनी माँ गंगा को, यदि माँ कहना है, यदि हम माँ कहते हैं, तो उसको, उसके साथ हमारा सदाचार, उसके साथ हमारा व्यवहार सुधरना चाहिए। और यदि हम अपनी माँ को सदाचार के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो वो बीमार होगी, मरेगी। यदि हम सचमुच माँ के बेटे हैं तो बेटों का फर्ज होता है कि माँ की बीमारी में उसका ठीक से इलाज कराया जाए, लेकिन हमारी सरकार माँ का इलाज ठीक से नहीं कर रही है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सरकार हमारी माँ को जल्दी मारना चाहती है, इसीलिए उसने बीमारी आंत की और लगाए दांत। इससे क्या होगा? इससे तो और बीमार होंगे ना। तो हमारी माँ को वो मारना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि इस सरकार को अपनी बातों को याद करना चाहिए, भारत सरकार को, उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब ये बातें कही थी कि मैं गंगा का बेटा हूँ और गंगा ने मुझे बुलाया है, तो अब वो क्यों भूल गए कि वो गंगा के बेटे ने? अब यदि वो सचमुच बेटे हैं तो गंगा का ठीक इलाज कराएं। गंगा का इलाज आरती और उत्सव से नहीं होगा, आरती और उत्सव गंगा को और गंदी करते हैं। आरती और उत्सव से गंगा का इलाज कदाचित नहीं होगा,
आपने जो आरती और उत्सव करने वाली यात्राएं की हैं गंगा के किनारे, उससे गंगा और दूषित प्रदूषित हुई है, और भारत सरकार का और भारत की जनता का आरती और उत्सव के नाम पर आपने पैसे की बर्बादी की है। तो कम से कम इतनी शर्म करो कि आरती उत्सव में जनता के पैसे की बर्बादी मत करो। आपको यदि माँ गंगा ठीक नहीं हो सकती तो माँ गंगा को जनता को सौंप दो और कह दो कि भाई हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आओ जनता आप अपने आप ठीक करो, तो शायद जनता अपना अनुशासन माँ के प्रति एक बेटे के का कर्तव्य जानकर वैसा व्यवहार करेगी। सर एक चीज और आ रही है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नर्मदा है, यहाँ भी अवैध उत्खनन होता है, नर्मदा भी कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे तो नहीं है लेकिन उससे भी कम नहीं है, तो उसको लेके भी आपने कुछ रूपरेखा बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार अब जल संरक्षण की बात कर रही है, लोगों को जल का कानून देने वाली है, पानी का कानून। देखिए ये जो सैंड होती है वो नदी के फेफड़े होते हैं, और सैंड तो चाहिए, यदि आपको सैंड चाहिए, रेत चाहिए, तो आप रेत कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से नहीं लेना चाहिए, उसके लिए रिवर की एक मैपिंग करके ये तय करना चाहिए कि नदी की हेल्थ बिगाड़ने वाली जो माइनिंग है उस पर रोक लगाए, और जिससे नदी की सेहत भी ठीक रहे और तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, वैसा एक वैज्ञानिक तरीका खोजना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो संभावना बनती है, और उस संभावना को बरकरार रखने के लिए हमें ये जो माइनिंग है और ये जो माइनिंग के पट्टे देने का हक पंचायतों को दे दिया है, उन पंचायतों को नदी की सेहत का ज्ञान नहीं है, वो तो पैसा लेके खान के पट्टे देने के मास्टर हैं, माहिर हैं, जो भी पैसा देगा उसको वो पट्टा दे देंगे। इसलिए ऐसे गलत कामों को रोकना चाहिए। पहले नदियों को फॉरेस्ट के टाइटल में रखा था, और फॉरेस्ट में कोई भी काम करने का अधिकार भारत सरकार को होता है, तो यदि ये जो गलत काम अभी हो रहे हैं कि सब पंचायतों को ये अधिकार दे दिया है कि वो नदियों में माइनिंग के पट्टे दे सकते हैं, नदियों को नदियों में से जो करना है वो कर सकते हैं, ये गलत है। सर अब कई सरकारें पानी को लेकर बड़ा सतर्क हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाने की बात की है, आप बरसों से जल संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, पानी को बचाने के लिए के कई अभियान चलाए हैं आपने, क्या लगता है सर ये छोटे छोटे प्रयास कहाँ तक सफल हो पाएंगे? देखिए ये जो पानी का प्रयास है ये एक तरह से बुनियादी प्रयास है, जो सरकार हमारी जल सुरक्षा के लिए जल अधिकार देने की बात कर रही है वो एक तरह से जल का बुनियादी अधिकार है। तो जिस तरह से तुमने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, जिस तरह से तुमने एयर सिक्योरिटी एक्ट बनाया, जिस तरह से तुमने इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट, इसी तरह से ये वाटर सिक्योरिटी का जो एक चिंतन हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ये चिंतन बहुत अच्छा है, और इसमें से कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का एक्शन निकलेगा। अभी तो ये जो काम हो रहा है ये ऐसा लगता है जैसे कि जो पानी की जिम्मेदारी है और हकदारी है उन दोनों को जोड़कर समाज को जिम्मेदार बनाएगा और समाज को जल संरक्षण का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए ये यदि जल अधिकार कानून पास होता है तो इसमें से समाज के लिए जल की एक नई प्रेरणा जगेगी और समाज पानीदार होकर अपना पानी बचाने का काम शुरू करेगा। तो जल अधिकार जो कानून है मध्य प्रदेश सरकार जिसे धरती पर उतारना चाहती, लोगों को जल का अधिकार देना चाहती है, उस पर एक बड़ा सेमिनार मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। राजेंद्र सिंह जी जो जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी जो गंभीर बात वो कहते हैं कि गंगा जो है वो वेंटिलेटर पर है, और उस गंगा को वेंटिलेटर से हटाना है तो लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, सरकार को गंगा पुत्र बनना पड़ेगा, बातों से काम चलने वाला अब नहीं है। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।